टॉपिक है बेसिकली स्टेटिस्टिक्स का, उन लोगों के लिए जो या तो जीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीआरई के ही पास पेपर में से आ जाता है, या वो लोग जिनको स्टेटिस्टिक्स का एग्ज़ाम देना है। हाँ जी, जो साइंस के ग्रेजुएट बीबी एमबीए कर रहे हैं उनको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं और कराची यूनिवर्सिटी का ऐसा कर देना है, तो कराची यूनिवर्सिटी में स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन भी आता है जो कि अब मैं करवाऊँगा। यह सवाल आया था कोफिशेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू फाइव, सिग्मा से जाहिर करते हैं हम इसको, फाइव के इक्वल है। कोवेरियंस एक्स और वाई का इक्वल टू 20, वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू 25 और वेरियंस ऑफ वाई पूछा था। तो देखो इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सिग्मा इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय, अब ये निशान क्या है, ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन को जाहिर करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो एक बात, एक जरा यहाँ जरा इस सही कर ले, वेरियंस ये 625 है, ठीक है, तो एक्स का तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, क्योंकि याद रखो कि वेरियंस बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो जाहिर है वेरियंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैंने यहाँ 25 पुट कर दिया। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो सिग्मा वाई है ये चाहिए हमें, ठीक है, निकालने को क्या कह रहे हैं, वेरियंस वाई। सिग्मा वाई में क्यों निकाल रहा हूँ, जो भी सिग्मा वाई आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो वेरियंस ऑफ वाई आ जाएगा। आगे कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई है, सिग्मा वाई को हमने इधर ले लिया और इससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4/25। और ज़ाहिर है जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 16/625।